हेलो एवरीबॉडी। तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रिक्शन से। और क्वेश्चन है, ए बॉडी ऑफ मास 4 केजी इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल इन रेस्ट पोजीशन। स्टैटिक एंड डायनामिक फ्रिक्शंस बिटवीन बॉडी एंड द सरफेस आर 0.15 एंड 0.10 रेस्पेक्टिवली। डिटरमाइन, दो चीजें इसमें पूछी है, मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर टू मूव द बॉडी एंड सेकेंड पूछा है रिक्वायर्ड हॉरिजॉन्टल फोर्स टू मूव द बॉडी विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख थोड़ा डायग्राम से समझ लेते हैं इसको। ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल मान लेते हैं, ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल है और इस पर एक ये बॉडी यहाँ पर रखी हुई है ये। तो इस बॉडी को फोर्स लगा के हमें, मान लिया एफ फोर्स लगाते हैं और इसको हमें आगे खिसकाना है। बॉडी का जो मास यहाँ पर दिया है, ए बॉडी ऑफ मास 4 केजी, तो यहाँ पर जो बॉडी का मास है दैट इज इक्वल टू 4 केजी, ये गिवन यहाँ पर दिया हुआ। और यहाँ पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन एंड डायनेमिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन भी हम बोल देते हैं। तो एक तरीके से म्यू एस जो दिया हुआ है वो 0.15 और एक म्यू के काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनेमिक फ्रिक्शन दैट इज इक्वल टू 0.10 ये दिया हुआ है। इसके बाद फर्स्ट पार्ट जो इसमें पूछा है, फर्स्ट पार्ट में इसने कहा है कि इस बॉडी को हमें मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स चाहिए, मान लेते वो एफ फोर्स है जो इस बॉडी को बस जस्ट मूव कराने के लिए हमें जरूरत होती है। तो जब हम इस पर इधर को फोर्स लगाएंगे तो एक स्टैटिक फ्रिक्शन इस पर काम कर रहा होगा म्यू एस, उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन भी हम बोल देते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन तक ये बॉडी नहीं चलेगी, लेकिन उससे आगे तक अगर फोर्स बढ़ाया जाए तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन काम करने लगता है। तो यहाँ पर क्योंकि हम जानते हैं कि जो फोर्स यहाँ पर होगा वो एक लिमिटिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होगा और इसको हम कहते हैं म्यू एस आर, क्योंकि बॉडी का वेट एम जी नीचे को काम करेगा और जो इसके रिएक्शन है टेबल के वो ऊपर काम करेगी आर। तो यहाँ पर आर बराबर एम जी होगा और क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एस आर होता है तो यही इक्विवेलेंट फोर्स के है वो मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स होगा जो बॉडी को आगे चलाने के लिए काम आएगा, ये मिनिमम फोर्स। तो यहाँ पर म्यूएस एक तरीके से जो स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.15 यहाँ पर ये है और आर, आर इक्वल टू यहाँ से एम जी हो जाएगा मास, यानी कि 0.15 इंटू में मास जो यहाँ पर गिवन है दैट इज इक्वल टू 4 के जी एंड जी हम जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ से हम रख सकते हैं। इसको हल करेंगे और इसको हल करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर आ जाएगा ये 5.88 मीटर, एक तरीके से यहाँ पर इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन। ये वो मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स है जो इस बॉडी को मूव कराने के लिए यहाँ पर काम आता है। सेकेंड पार्ट इसका हम देखते हैं, सेकेंड पार्ट में कहा है कि रिक्वायर्ड हॉरिजॉन्टल फोर्स टू मूव द बॉडी विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से अगर इसको मूव करा जाए तब कितना रिक्वायर्ड फोर्स होगा, तो वो एक तरीके से काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पर काम करेगा। तो सेकेंड पार्ट में आइए देखते हैं, सेकेंड पार्ट में इसके अंदर जो होगा वो फिर से हम इसमें न्यूटन की इक्वेशन लगाएंगे और जो रिक्वायर्ड फोर्स यहाँ पर होगा काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पर काम करने लगेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ माइनस में एफ के इज इक्वल टू, क्योंकि हम अगर वो रिक्वायर्ड फोर्स एफ डैश है तो यहाँ पर हम कहेंगे एफ अगर वो है एफ बराबर क्या होगा एफ डैश हुआ है तो एफ बराबर क्या होगा एम ए न्यूटन की इक्वेशन से। तो एफ डैश यहाँ पर जो नेट फोर्स है वो ये काम करेगा इस तरह से ये, तो यहाँ पर हो जाएगा ये एम, एम क्या है यहाँ पर 4 के जी और एक्सेलरेशन 0.5 ये यहाँ पर काम करेगा। तो एफ वो रिक्वायर्ड फोर्स है, इसको काइनेटिक फ्रिक्शन को इधर ले जाएंगे हम तो यहाँ पर जाएगा म्यू के आर, इसी इक्वेशन से एक बार म्यू के आ जाएगा प्लस में यहाँ पर आ जाएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2.0 एक तरीके से। तो ये हम म्यू के यहाँ पर दिया हुआ है ये 0.10 और आर इजिकल टू एम जी यहाँ पर रखेंगे प्लस में ये 2 तो 0.10 एम यहाँ पर कितना आएगा 4 ये आएगा 4 इंटू में जी 9.8 तो प्लस में 2
जब इसको हम यहाँ से हल करेंगे तो देखेंगे कि इसको जब हल करेंगे तो ये तो यहाँ से आ जाएगा 5.92 न्यूटन यहाँ से निकल के आएगा। तो इस केस में ये फोर्स यहाँ पर काम करेगा। तो ये है जब उसको हम 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से इसको मूव कराते तो रिक्वायर्ड फोर्स ये होगा, और जब लिमिटिंग फ्रिक्शन वहाँ पर काम कर रहा होगा तो मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स उसको मूव कराने के लिए वो ये होगा।